बहुत लोगों की कमेंट आया मेरे चावल पुलाव वाले खिले खिले नहीं होते हैं और भुरभुरे नहीं होते हैं और चमकते नहीं हैं, हलवाई वाले पुलाव वाला चावल कैसे बनाते हैं, कितना पानी यूज करना है, कौन सा पुलाव चावल लेना है जिससे हमारा चावल बिल्कुल परफेक्ट बने पुलाव वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ हलवाई वाले पुलाव वाले चावल कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में टिप्स भी बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर 50 लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 kg पुलाव चावल लिया गया है। पुलाव चावल आप गोल्डन सेल्हा या बासमती चावल लें, आप दूध मलाई पुलाव चावल भी ले सकते हैं, ये तीनों परफेक्ट होते हैं। दोस्तों पुलाव चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है कि इस चावल को लगभग 2 से 3 पानी तक धुलना है पुलाव वाले चावल को, और हल्के हाथों से धुलना है, ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धुलना है, वरना ये चावल हमारे धुलते वक्त टूट जाएंगे और परफेक्ट नहीं बनेंगे। 3 बार जब आप पुलाव वाले चावल को धुल लेंगे तो आपका जो है पानी जो है चावल पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा और पानी भी साफ़ हो जाएगा। 4थी बार में आप इसे जो है चावल में पानी डालने के बाद इसे भिगो के रखें लगभग 20 से 30 मिनट तक। भिगोने से क्या होगा दोस्तों, आपका चावल जल्दी पक जाएगा और परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भिगो के रख दिया गया है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है पानी रखा गया है, पानी कितना डालना है दोस्तों, पानी इसका 3 गुना है, 2 kg हमारा चावल था तो इसका 3 गुना हम लोग पानी डालेंगे, लगभग 6 लीटर। अगर आप घर पर बना रहे हैं दोस्तों एक बात याद रखना है, अगर आपको जो है चावल को खिले खिले रखने हैं तो हल्का सा आप उसमें नमक डाल सकते हैं पानी में जो उबालने वाला है। जब पानी हमारा जो है उबलने लगे तब इसमें जो है चावल डाल देना है, जब यानी अदहन हमारा खौलने लगे तो इसमें जो है चावल हमें डाल देना है। दोस्तों अगर आप घर पर थोड़ा बनाना चाहते हैं कुकर में, तो कुकर में आपको पानी लेना है, अगर आपने 1 कटोरी पुलाव वाला चावल लिया है तो आपको 1.25 कटोरी पानी डालना है और ढक्कन को बंद करके प्रेशर कुकर में पका लेना है, इसे परफेक्ट बनेंगे। अगर आप भगोने में पका रहे हैं थोड़ा बना रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको 2 गुना पानी लेना है, यानी आपने 1 कटोरी अगर पुलाव वाला चावल लिया है तो आपको 2 कटोरी पानी लेना होगा, और ये इस ट्रिक से अगर आप बना रहे हैं तो आपको इसमें 3 गुना पानी लेना होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है क्योंकि इससे जो है पानी ज़्यादा होने की इसका माड़ जो है ख़त्म हो जाता है, यानी फेंक दिया जाता है इसका पानी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 7 से 8 मिनट तक उबलने के बाद ये हमारा चावल पक जाएगा, और इसे बीच बीच में चलाते रहना है दोस्तों, आपको चेक करते रहना है कि चावल हमारा पका है कि नहीं पका। जब ये हमारा चावल 1 कांटा कच्चा रह जाए तब इसे जो है हमें इसका पानी निकाल लेना है, पूरी तरीके से परफेक्ट इसमें नहीं पकाना है, वरना बाद में चावल आपके जो है गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 कांटा जब ये हमारा कच्चा रह गया, इन थोड़ा सा जो रह गया इसमें, तब इसे जो हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि भाप से भी ये पकता है आखिरी में। तो यहाँ पर दोस्तों इसे जो है पानी छान लिया गया है, हमारा जो है पुलाव वाला चावल है इसका जो है पानी हम लोग बिल्कुल ही छान लेंगे। इसमें आप कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़े से भी छान सकते हैं। यहाँ पर जो एक स्टील के बर्तन में इसे छान लिया गया है, फिर इसे जो है दोस्तों एक भगोने में रख दिया गया है, इसे लगभग हम 10 से 15 मिनट तक ढक के रखेंगे जिससे हमारा पूरी तरीके से पक जाए भाप से। अब इसकी चमक बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें देसी घी डाला जाएगा, इसे ये खिला खिला रहेगा, भुरभुरा दिखेगा। ये हमारा पुलाव वाला चावल तैयार हो चुका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पुलाव की कई वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे मटर पुलाव, जीरा राइस, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।